खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर स्टेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पानी में काम करने से उंगली की स्किन क्यों सिकुड़ जाती है। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि पानी में देर तक काम करने के बाद हाथ पैर की उंगलियां और उसकी जो त्वचा है वो सिकुड़ जाती है। भले ही आप हाथ पोंछकर सुखा लें, फिर भी काफी देर तक उंगलियों की त्वचा पर झुर्रियां बनी रहती हैं और धीरे धीरे सामान्य होती हैं। क्या आप जानते हैं इसका कारण? नहीं जानते ना, तो हम आपको बताएंगे इसका कारण क्या है। दोस्तों, पानी गर्म हो ठंडा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी उंगलियों की स्किन दोनों तरह से पानी में सिकुड़ती है। उंगलियों का इस प्रकार सिकुड़ना शरीर की एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया मतलब शरीर की वो क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल के बिना भी चलती रहती हैं, जैसे हृदय गति, श्वास क्रिया आदि। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में पाया कि उंगलियों की त्वचा का ऐसे सिकुड़ जाने से वस्तुओं पर हाथ की पकड़ ज्यादा मजबूत हो जाती है और वस्तुएं हाथ से फिसलती नहीं, जैसे कि गाड़ियों के टायर पर बने कटाव और पैटर्न सड़क पर गाड़ी को मजबूती बनाए रखते हैं। इसी तरह से सेम कंडीशन उंगलियों की हो जाती है। उंगली की त्वचा की ये प्रतिक्रिया मनुष्य जाति की क्रमिक विकास का परिणाम माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आदिकाल में मनुष्य मछलियां पकड़ने जैसे कार्य की वजह से काफी देर तक पानी में रहता था। उंगलियों के इस प्रकार हो जाने से उसे पानी में शिकार पकड़ने में सहायता मिलती थी। इसके अलावा बारिश के मौसम में चलते समय पैर की उंगलियों की त्वचा सिकुड़ने से मनुष्य को पैर जमा के चलने में आसानी होती थी। है ना रोचक कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।